संत श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज एक कथावाचक हैं। वह वृंदावन में रहते हैं और सत्संग के माध्यम से लाखों लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। महाराज जी राधा रानी को अपनी ईष्ट मानते हैं। आपको बता दें कि महाराज जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भक्त उनसे पूछ रहा है, सुखी और धनवान होने के लिए क्या करना चाहिए? जिस पर प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज बता रहे हैं कि महासुखी रहने के लिए प्रभु का आश्रय और भगवान का नाम जाप नहीं करोगे तो आप सुखी नहीं रह सकते और ना ही आपको शांति मिलेगी। अपने गुरुदेव के द्वारा ईष्ट नाम और उनके चरणावृंद में प्रीति नहीं हुई तो आप जितने भी जतन कर लें, आपको शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन अगर ये उपाय कर लिए तो आप महासुखी हो जाएंगे। महाराज जी ने आगे कहा कि ये जो सुख दुख हैं, ये हमारे पाप और पुण्य कर्मों का फल है। अगर हमारे कर्म सही है तो आप कहीं भी चले जाएं, आपको सब जगह आदर की प्राप्ति होगी। वहीं अगर आपका कर्म बिगड़ गए तो आपका कोई आदर नहीं करेगा। इसलिए कुछ भी कर लो, अगर आप प्रभु का नाम नहीं लोगे आपको कहीं शांति नहीं मिलेगी, इसलिए नाम जप करो। वहीं महाराज जी ने आगे कहा कि संत भगवान का ज्वलंत तेज होता है, जिसके सामने आने से व्यक्ति की सारी बुराइयां मिट जाती हैं। इसलिए हर संकट से बचने के लिए हरि का प्रवचन करें और संतों के निकट जाने से भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए किसी व्यक्ति का बुरा मत करो, इसलिए तुम्हारा बुरा नहीं होगा। संत श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज कानपुर के सरसौल ब्लॉक के आखिरी गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम शंभू पांडेय है, माता का नाम रामदेवी है। वहीं महाराज जी के गुरु जी का नाम श्री गौरंगी शरण जी महाराज है। महाराज जी को बचपन से ही आध्यात्म के प्रति लगाव था, साथ ही उन्होंने कम उम्र में ही घर छोड़ दिया था और वाराणसी चले गए थे। साथ ही इसके बाद वह वृंदावन आ गए।